जय हिंद सभी को। आज काफ़ी दुख की बात है, हमारे बीच हमारे आज्ञापाल भाई जो इंडियन आर्मी में थे आज नहीं रहे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काफ़ी अच्छे इंसान थे वो, कई बार लाइव में जुड़ा उनके साथ में, काफ़ी हंसमुख थे वो। और मैं यही कहूँगा कि भाई आप दुनिया से गए हो, हमारे दिल से नहीं गए हो। हमेशा हमारे दिल में रहोगे, जब तक हम हैं यहाँ पर हमेशा आपके जिक्र होते रहेंगे। सैल्यूट है आपको। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है यार, हम अग्गापाल पाजी हमारे बीच में नहीं है अब। और बहुत ही एक अच्छा इंसान था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। बस कुछ दिन पहले की बात है, मैं जब आसाम राइफल की रिक्रूटमेंट देने के लिए जाने वाला था तो मेरे पास पैसा बहुत ही कम था। मैं उनको हर चीज़ बातें शेयर करता हूँ, वो भी मेरे को हर चीज़ उनका सारे चीज़ हम लोग शेयर करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा दिलदार शानदार इंसान है। तो मैंने बताया था कि पाजी मेरे पास पैसा बहुत ही कम है यार, मैं कैसे जाऊँ उधर डिमापुर जाने के लिए, पैसा खर्च बहुत होता है। तो उन्होंने कहा टेंशन किस बात का है, मैं तेरे को 1000 रुपया दूंगा, वो तू बस अपने हिसाब से कुछ कर लेना। और मैंने कहा था नहीं चाहिए पाजी, मैंने बोला, उन्होंने बोला अगर भाई मानता है तो तू जरूर ये लेगा। तो उन्होंने मेरे को 1000 रुपया दिया है। मैंने बोला पाजी मैं आपको ये रिटर्न करूँगा क्योंकि ये आपका मेहनत का पैसा है, आप फौज में रहते हो, दिन रात ड्यूटी करते हो, तब जाके आपको ये मिलता है, लेकिन मैं ये पैसा आपको वापस करूँगा। तब उन्होंने कहा चल ठीक है तेरे मर्जी, जब तेरे पास पैसा आएगा तो मेरे को जरूर भेज देना। और उनका पैसा देने का तारीख मतलब इस महीने की 25 को है, और मैंने परसों उनके साथ बात किया था। और पता नहीं आज सुबह अचानक फ़ोन आया कि अग्गापाल पाजी हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। और मैं उनको नंबर पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। शायद जब उनका फ़ोन उनके घर में पहुँचेगा तो मैं ज़रूर फ़ोन पे बात करूँगा। और उनका जो 1000 रुपया है जो है मैं उनको वापस करना चाहूँगा, उनके परिवार वालों को मैं वापस करना चाहूँगा। और बात यह कि यार मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा इंसान जो हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग हंसते रहो, एक दूसरे से प्यार बांटते रहो यार, कब ज़िंदगी क्या हो जाता है किसी को पता नहीं है। आज आप जिंदा हो कल क्या पता है नहीं रह सकते हो, मैं आपने भी बात करा, आज मैं जिंदा हो क्या पता कल नहीं रह सकता हूँ। तो इसीलिए हमेशा खुश रहा करिए, एक दूसरे में प्यार बांटा करिए। क्यों नफरत पैदा करते हो आप लोग, नफरत पैदा मत करो, एक दूसरे में प्यार बनाए रहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।